बढ़िया चौको मजे। इस बड़े से फुब्बारे को देखो और लॉली की छोटी सी रचना, बेचारी लड़की। अरे यार हे, ये ट्रीट्स तो बहुत शानदार है। सॉरी लॉल, फिर भी मजा आने वाला है, चलो शुरू करें। चलो भी डुबाओ। ओह देखो, उसके सभी दोस्त उस पर हंस रहे हैं, कितना बेकार। डुबाओ। मीना ने स्नैक अप्रूव कर दिया। हाँ इसीलिए तो ये स्वादिष्ट है। जूली लड़की, तुम्हारे मीठे के फुव्वारे के मुकाबले में ये तो कुछ भी नहीं। चलो डुबाते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया। ओमी नोमी नोम, चौको मजे। अरे लॉली, क्या हुआ, क्या है? ओ सब खत्म। गलत। क्या तुम लोग बांट सकते हो? लड़कियों ने कहा बिल्कुल नहीं। तुम्हारे सपने में। सॉरी लॉली, परेशानी नहीं, क्या चप और एक नकली उंगली। हाँ चलो शरारत करते हैं। लॉली अपनी उंगली डालती है और सॉस लगाती है। अरे यार अमीना, देखो तुम्हारे फुफारे ने मेरे साथ क्या किया। वो फंस गई, मैं बीमार होने वाली हूँ। हे भगवान, क्या? शुभ रात्रि मिन। लो जूस, एक छोटा तोहफा। ये देखो, जूस तो कब की जा चुकी। तुम्हारे लिए एक के साथ एक मौका, एक उंगली के लिए दो फुव्वारे। खैर कैसे हो बबल ट्रबल? ईश, लगता है कि केट के पास बढ़िया सामान है, बहुत ही स्वादिष्ट, कितना बड़ा भी। चलो खाते हैं। चलो भी केटी। ओम नोम नोम। उफ, ये तो एक बड़ा बबल है। वाव, पॉप ने एक सटीक केक बनाया है, कमाल। मोर की पू, ये देखने का समय है कि तुम्हारे पास क्या है। बबल का समय, अब पॉप, बूम, सटीक दोस्तों। और लगता है जी केट यहाँ दुगने मजे के लिए आई है। ठीक है मार्क, चलो दोबारा चले, हमें और चाहिए, और कॉफी केक्स। कितना बढ़िया, कितना स्वादिष्ट। क्या हम रेशो को देखें अब? सोचो अब हम क्या करें। ओह लहसुन, ये खुशबू तो खतरनाक है, जो कि होनी भी चाहिए। लगता है कि हमें तरीके पर विश्वास करना होगा। अरे हाँ, ये लड़की तो बहादुर है सच में। अंत में ये सब सही होगा। बबल एक गया, और जब हम पॉप करते हैं सारी लहसुन हवा फैल जाएगी। एक बुरा सपना। पॉप। शुभ रात्रि दोस्तों। ठीक है अब इन केक्स की बात। बढ़िया। ओम नोम नोम। हियर मार्क, केट। हेलो जिप्सी। सॉरी मार्क, तुम्हारी किस्मत खराब है, इन लड़कियों को बढ़िया मिला है, क्या हम खो दे? ओह केट, मुझे नहीं लगता। क्या क्या अंदर कुछ है? अरे यार सॉस, पर डुबाने के लिए कुछ नहीं। सॉरी दोस्त। रेशल, माँ के पास एक आइडिया है। ओ भाई, क्या अंत बढ़िया नहीं हो सकता? हाँ ये हम चले, देखते हैं कि उसने क्या उपाय निकाला है। जो भी ये हो, खोलो इसे। हाँ बेबी, हो ही गया। अब यहाँ से निकलते हैं। देखो किसी ने कुछ भी नहीं देखा, मजे करो दोस्त। करारे। रेशल को बढ़िया सरप्राइज मिला है, हमें नहीं पता कि तुम्हारे क्रंचीज कहाँ गए।
की रेशल इसके लिए बहुत तेज है। पैसे देने के लिए तैयार हो जा मार्की। हे, थोड़ी सॉस चाहिए? हाँ बिल्कुल उसे चाहिए। अंदर आओ दोस्त। अभी बूम। ये अच्छा तो नहीं लग सकता। शो के मजे आ रहे हैं केटी कैट। यार हद ही हो गई। वूवी! मिस मीना के लिए कैंडी चॉको पिज्जा और लोल के लिए फ्राइज और चॉको सॉस। कितना दिलचस्प! और हर चीज की कभी तो शुरुआत होती है। आगे बढ़ो। ओम नोम नोम। एक मीना को अपनी ट्रीट में मजा आने वाला है। होना ही चाहिए। ओ, स्वादिष्ट स्लाइस। ओरियोस के साथ शुरुआत और चॉको के साथ खत्म। बिल्कुल एक सपना। लॉली और ड्रियान अचंभित है। ओ हाँ, मैं भी होती। हो गया। बर्गर नहीं, अब यहाँ क्या है? ड्रियान अपनी विश्व प्रसिद्ध चॉको सॉस मिला रहा है। चलो काम पे। हमें ये सच में कोशिश करनी होगी अगर हमें मीना के पिज्जा को हराना है। ये हम चले चॉकलेट बर्गर चुनके। ओ, और सारी की सारी चौक। और हो गया। बैम, कितना शानदार। मीना तुम्हें ये देखना होगा। वाओ, और उसकी सारी खत्म। आइडिया लासो, पकड़ लिया। सॉरी, लगता है कि ये ट्रीट सारी मीना की है। क्या बात है। लॉली मदद मदद। ओ ठीक है, वो मिस्टर रियान को आजाद करती है। ये लो, पर हमें मीना को ट्रीट से दूर करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लॉली ये कर लेगी। ठीक है, तुम्हें बहुत नींद आ रही है। फ्रेंच फ्राइज हिप्नोसिस, ये नया है। शुक्रिया लॉली। ये क्या? मीना अपनी सारी कैंडीज निकाल रही है। ये फ्रेंच फ्राइज सौदा तो हमारी सोच से भी बढ़िया था। सॉरी लड़की, तुम्हारी कैंडी हमारी है। सॉरी। वाओ, सभी की दो पसंदीदा चीजों को मिलाया, चॉकलेट और सोडा। वाह वाह वाओ, खाओ, यहाँ सभी के लिए काफी है। मीना को छोड़ के सोडा में कैंडी है। चलो भी, तुम्हें ये बाहर निकालनी होगी। स्मैश, बढ़िया, मैं यही तो देखना चाहती थी। यम यम यमी। मीना, हे यहाँ देखो, इस छोटी सी बोतल में ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। ओ फ्रियान, प्लीज बांटो, मैं देखना चाहती हूँ कि उस बड़ी सी बोतल में क्या है। और अमीना भी, बोतल को स्प्रे करो। अब ये चॉक जैसी लग रही है और हम इसी की तरफ बढ़ रहे हैं। रे गाय देखो, और वो बदलती है। चालाक लड़की, वो ध्यान नहीं देता और बिल्कुल भीग जाता है। बहुत ही ज्यादा चिपचिपा। कितनी सारी कैंडी। तैयार लड़कियों, ये आया। अरे वाह, ये कैंडी अंडे, इनके अंदर शानदार खिलौने भी हैं। क्या किस्मत, एल्सा अंडा निकालने की कोशिश करती है, नहीं हो पाया। तुम लोग कोशिश करो। अरे यार, ये लो तुम्हारे लिए कोक्स। रीना को एक आइडिया आया। वो अपना ग्लास भरने लगी। उसका छोटा सोडा उस अंडे को ऊपर तक लाने के लिए काफी नहीं है। एल्स के पास सामान्य कोक है, वो कोशिश करेगी। शाबाश, कर दिखाओ। अंडे ने आधे रास्ता तय कर लिया है। और निकालो, वो पास है पर नहीं निकाल पाई। क्या यार, अब वैल की बारी। उसने सोडा खोला और उसे अंदर डाला। मुझे लगता है कि वैल का सोडा काम करेगा। कितना पास है, चलती रहो। बस हो गया, क्या बात है, तुम्हें तो हाथ भी नहीं लगाने पड़े। अब खोलो इसे। वैल अपना चॉकलेट सरप्राइज खोलती है और खाती है।
यू ये सरप्राइज उतना बढ़िया नहीं था। बेचारी वैल, अब तो तुम खुश हो रही ना? वाह वाह, और नहीं रुका जाता, कुछ कटोरियाँ और बॉल्स। पहले वैल, उसकी बॉल छोटी वाली में गिरी और उसे मिली एक छोटी कैंडी। अगली बार बेहतर करना दोस्त, ठीक है? तुम्हारी बारी रीना, उछालो। तुम्हारे लिए मीडियम। अरे ये रहा एक मीडियम पिज्जा। अरे वाह, वो भूखी थी, ये स्वादिष्ट है। इस मुकाबले में तो मजा आ गया। एल्सा को ये आवाज अच्छी लगी, उसकी बॉल बड़ी कटोरी में गिरी। हे भगवान, ये तेज तर्रार लाल मिर्च, ओह, और ये उसे खानी पड़ेगी। काटो, उसका मुंह जल रहा होगा। ये मिर्चियाँ तो खतरे के निशान के साथ आनी चाहिए थी। ओफो, माफ करना लड़कियों। साइन का समय। एल्स का स्मॉल, जरा इन छोटे प्यारे डोनट्स को तो देखो, एल्स के लिए ही बने हैं। और ये देखो, डोनट अंगूठी, कमाल। इस तरह डोनट्स खाने का मजा ही आ गया। और अब समय हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है स्टेसी, प्यारा, इन पिंक पफी गोल ट्रिक्स को तो देखो, क्या हुआ स्टेसी? स्टेसी अपने डोनट से जाती है। वाओ, कैंडी सैंडविच, तुम होशियार हो, तुम्हें नहीं लगता कि हम और रुक सकते हैं? प्लीज बताओ इसका स्वाद कैसा है? लगता है कि हमारी सोच से भी बेहतर। माँ की बारी। हे भगवान, ये बहुत ही सुंदर है। आइडिया, तुम्हें ये आइडिया बढ़िया लगा? हम थोड़े से फंस गए हैं। लड़कियों मदद, लगता है अपने लड़के को आजाद करने के काफी फायदे हैं। एक्स्ट्रा डोनट के मजे लो और इसके लिए माँ को धन्यवाद दो। लगता है कि वो आजाद होकर खुश है। वाओ, कैसे हो दोस्तों? स्टेसी का है स्मॉल, मॉक का लार्ज और एल्सा का मीडियम। बढ़िया, खोलो, चलो भी। अरे वाह, जरा ये आइसक्रीम केक तो देखो, एक छोटा सा मास्टरपीस। स्टेसी, तुम्हें ये चखना चाहिए। कहाँ से शुरू करूँ? वैसे इस कोन का स्वाद लेने के लिए मैं रुक नहीं पाती। अगली एल्सा जाना चाहती है। एक ब्लेंडर, दिलचस्प। क्या तुम्हें यकीन है कि जो भी तुम्हारा प्लान है वो सही है? केक आ रहा है सीधे सुपर ब्लेंडर में। हे भगवान, ठीक है, अगली का पता लगाने का एक ही तरीका है, शुरू करो। घुमाओ, कॉटन कैंडी के कलर्स देखो, बस हो गया। आइसक्रीम केक मिल्क शेक आ गया। वाओ, क्या रंग है। ओ ये, अब एक स्ट्रॉ और हो जाए। स्वादिष्ट, ताजा, माँ कब और नहीं रुक सकता। यहम, माँ कहाँ है? एक मिनट रुको, देखो छोटा मार्की, और अब ये छोटा सा प्यारा मार्की लड़ नहीं पा रहा। लड़कियों को मिला एक्स्ट्रा केक, कितना बढ़िया। पर हम माँ को बढ़ा कब करेंगे? मुझे चिंता हो रही है। चलो हेल, खूबसूरत रेनबो पैनकेक्स। हाँ प्लीज, एमी का क्या? वाओ, एमी के रेनबो केक्स एक के ऊपर एक लेयर्ड है, कितना बढ़िया। कितने सारे, गजब। ऐसे में थोड़ी सिरप बढ़िया रहेगी। मुझे ये मुकाबला पसंद आया। हेली कुछ मीठी सॉसेस लेकर आई है, और वाह, इन रंगों को उस पर डाल दो। क्या हम इसे डबल रो कह सकते हैं? बहुत अच्छे। क्या ये हो गया? हाँ बस, थोड़ी सी कैंडीज और चाहिए। हम कैसे भूल सकते हैं? बढ़िया, उसका मास्टरपीस पूरा हो गया। गमी चॉकलेट रेनबो पैनकेक, ये तो कैंडी पिज्जा जैसा है। शेफ को यानी मुझे ढेरों बधाइयाँ, हेल ने कहा। एमी तुम्हारी बारी, चॉप। रुको, चॉप चॉप। एमी इसे बाइट नहीं ले पा रही है।
क्या ये मजाक है? अब हम क्या करें एम्स? तुम्हें कोई तरकीब निकाली होगी। ओह, हैमी अपना केक थोड़ा टेढ़ा कर लेती है। अब देखो, एमी ने भी बना लिया अपना एक सुपर रेनबो पैन केक और रामा। यस, एमी ने एक माउथ गार्ड निकाला। थोड़ी मदद लेने में क्या हर्ज है? तुम कौन हो? एमी ने मिस एच को डरा दिया। सब ठीक है, वैसे मानना पड़ेगा कि ये सीन शॉकिंग है। नम नम नम। ये तो गजब है एमी, तुम्हारे लिए भी। जरा देख के हेल्स, और ये आखिरी। एमी आखिरी हो ही गया। नहीं, चलो ठीक है, बस मुझे मत खा लेना। कितनी विशाल चॉकलेट। लॉली, तुम तो किस्मत वाली हो, हमारे दूसरे दोस्त तो जल रहे होंगे। उनके तो तुम्हारे आसपास भी नहीं है, फिर भी चौक तो चौक है। खाओ लड़की। ये क्या, लॉली के में अंदर केक भी है? शानदार और स्वादिष्ट। ओ, ओ। अमीना भी अपने के से खुश है। कितने सारे छोटे क्यूटीज। और हाँ, बहुत स्वादिष्ट। ओ बेचारा रे गाय, प्लीज हमारे चौको लवर को थोड़ा यम दो। नहीं ठीक है, हम किसी ना किसी तरह से ले ही लेंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास चालू। ये क्या है, वो लॉल के पीछे जाता है और उसे सुपर ग्लासेस देता है। अब सब कुछ बहुत बड़ा लग रहा है, जिस वजह से वो रियान के छोटे चौक से बदलने में खुश है, जो कि उसके लिए बिल्कुल छोटे नहीं है। अरे यार, उसे सरप्राइज मिलने वाला है, ये बेचारी लड़की। अगली बार के लिए शुभकामनाएं। LOL। बढ़िया सोच दोस्तों। और सॉरी लॉली। अरे यार अमीना। हे दोस्तों, चलो इन कैंडी ढेर को देखते हैं। ओ बेचारी रीना, किस्मत वाली हेली। हाँ, लगता है कि रीना के पास कोई प्लान है। चलो देखते हैं मिसी पैंस। सही, थोड़ी सी रंगीन चौको मिलानी पड़ेगी। कैंडी सॉस हो गया, बहुत ही स्वादिष्ट ट्रीट। रायन, वापस तुम पर। खोलो जरा, इन सभी रंगों को देखो। ऊपर आप जितनी पकड़ सकते हो उतनी पकड़ लो। ठीक है हिल्स, तुम चलो। तुम्हारा पुराना शॉपिंग बैग, अब ये कहाँ जा रहा है? हमें जल्दी पता चल जाएगा। अब क्या दोस्त? हेलो, वाह, ये देखो दोस्तों। बैम। क्या, हे भगवान। सॉरी दोस्तों, पर यार लगता है कि ये सभी कुछ इसके लायक था। विशाल स्टिकर चालू। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। सॉरी तुम दोनों। कैंडी कैंडी कैंडी। कैरी के पास एक छोटी चौकोबार है। डैनी बढ़िया, पर विशाल कैंडी। विशाल गाय, केट कितनी लकी है, कैरी अभी भी खुश है। आखिर कैंडी तो कैंडी है। मजे करो डैन। कैरमल से भरी। हम इससे कैसे निपटेंगे केटी, ये सच में मुश्किल है। क्या करें, परेशानी रही, कुछ मजबूत करना होगा। ठीक है मिसी, स्टैंड क्लियर। और ऐसे काम शुरू हुआ। ब्रर, यम्मी। कितनी सारी। बहुत बढ़िया काम मधुमक्खी। चलो अब खाते हैं। ओ, आ जाओ, कैंडी का पिंजरा बनाओ। हे भगवान, यहाँ क्या हो रहा है? बस हो ही गया मिस्सी। ओ, अब अंदर डालो। नहीं दोस्तों, हम तुम्हें क्या कर रहे हैं केटी केट, खाकर बाहर आ सको तो आ जाना। बहुत बढ़िया दोस्तों, बचे कुचे के मजे लो। करारे। ओ, हाँ। सॉरी केटी। विशाल गाय कोला, ये हुई ना बात। अरे यार, एक सिप और ये खत्म। केक के पास है मीडियम साइज सोडा। सही है।
जेनी किस्मत वाला है, इस गर्मी के दिन में बिल्कुल सही। पी लो बेचारी कैरी। ठीक है, कैरी जेनी की कोला को अपनी तरफ मोड़ देती है। शुक्रिया जेन, तुम्हारे दान के लिए शुक्रिया। केटो टाडल्स, और वो बदले के लिए तड़प रही है। बस थोड़ी फर्स्ट कैंडीज की जरूरत है, इनको जरा अंदर डालो। ये तो बहुत ज्यादा है, फिज लेवल्स आसमान छू रहे हैं। देखो एक अनदेखा बबल बाथ। ओह यार क्या गंदगी है। ठीक है समय हो गया, चलो ये कैंडीज खाते हैं। पर ये आम ट्रीट्स नहीं है। बिल्कुल ठीक, बहुत खट्टा टॉक्सिक वेस्ट। चलो खाते हैं, अगर तुम ये सारा खट्टापन संभाल सको तो। ओ सॉरी सामो, तुम छूट गए, इस छोटी कैंडी को चखो। दोस्त खट्टे को संभाल नहीं पाया, तुम्हारा क्या। हेली थोड़ी चीटिंग कर रही है, चॉकलेट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है ये जहाँ जा रही है मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि हम इसे चला पाएंगे। अब देखते हैं कि क्या हम वेस्ट को संभाल पाएंगे। चलो अब ये पूरी तुम हो रीना, शुभकामनाएं। मैं तो इसे नहीं देख सकती। खैर रीना ने पलक भी नहीं चपकाई। वाओ क्या तुम कुछ प्लान कर रही हो। एक ग्लास, हम क्या बनाने वाले हैं दोस्तों। अरे यार एक खट्टी ड्रिंक का समय, मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। कौन इस तरह के फ्लेवर्स को संभाल पाएगा, मैं तो जानना भी नहीं चाहती सच में। और इसके ऊपर से नींबू का रस, हे भगवान। थोड़ा मिलाओ और ये बस हो ही गया। हाँ और चम्मच भी, ये चीज तो बहुत ही ज्यादा जहरीली है। देखते हैं कि रीना इस गर्मी को बर्दाश्त कर पाई या नहीं। ठीक है तैयार हो। पूरी की पूरी, वही ड्रिंक जिसने पूरे किचन के बर्तन खराब कर दिए। दिव्य शक्ति पक्की। नहीं रीना क्या तुम ठीक हो, लगता है कि वो पूरे समय नाटक कर रही थी सच में। ठीक है तुम तीनों बैठ जाओ और अपने सैमीज खाओ। रीना के पास सबसे बड़ा स्नैक है और हेल्स के लिए, अरे यार ये चीज तो बहुत ही छोटी है। और ये कैंडी है, ये ऐसा कुछ है जो हम हर दिन नहीं देखते। खैर लगता है कि रियान अपना सैंडविच खाना शुरू करता है। हाँ मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तुम इसे कैसे खाओगी, बस मैं शुभकामनाएं दे सकती हूँ। ओह एक माउथ गार्ड, हमें इससे मदद मिलनी चाहिए। अभी भी कुछ नहीं, सोचो। लगता है कि तुम्हारे पास देखने वाले हैं रीना, तुम्हें कुछ सोचना होगा। हम जेंगा की पूरी बाजी खत्म करने वाले हैं। मैं थक रही हूँ, कोई खाना मंगवाएगा प्लीज। संभालो अपने आप को रीना। चलो भी कोई ना कोई तरीका तो होगा। मुझे पता है, बर्गर बड़ा है और मुंह छोटा, क्या तुम दोनों मदद कर सकते हो। हाँ वो खुश है कि तुमने पूछा। चलो इस पॉपी का ध्यान रखे। डोरी जेंस एक मंजिल, इस लड़की को समय पर खाना खिलाओ, ये बढ़िया होने वाला है। चलो डालो और अब रुको। क्या अब ये क्या है, देखो छोटे छोटे साइज के मजे सभी के लिए। ओ हाँ रुको, क्या हम किसी को भूल रहे हैं। सॉरी रीना, बेहतर होगा कि उन केमिस्ट्री की बुक्स को पढ़ो। मजा आने वाला है। हे भगवान एल्सा का विशालकाय सैंडविच तो देखो, वॉल का सामान्य बर्गर। और रीना का, कोई इसे बर्गर कह सकता है क्या, ये तो बहुत छोटा है। वेल खाने के लिए तैयार है। वेल का ध्यान एल्सा के सैंडविच पर गया, ये उसके सर से भी बड़ा है, इसे खाने में तो कई दिन लग जाएंगे। तभी एक संकेत मिला, लड़कियों को अपना खाना एक बाइट में खत्म करना है, ये तो आसान है। ये मुश्किल होगा वेल, पर तुम कर सकती हो। ओह क्या बात है लड़की एल्सा, मैं तुम्हारी जगह होती तो छोड़ देती। आइडिया,
एल्सा बर्गर को नीचे रख के वॉल की तरफ धकेल देती है। स्मार्ट लड़की, पर थोड़ा और आगे, बिल्कुल छोटा। अब इसे खाना बेहद आसान होगा। एल्सा ने मुकाबले को ही हरा दिया। ये गया नीचे। पर ये क्या, जैसे ही वो बड़े की तरफ गई, उसका बर्गर पेट में ही बड़ा हो गया। अरे बाप रे, पेट में तो बहुत तेज दर्द होने वाला है। ये तो मजेदार था। अगला क्या है, रुका नहीं जाता, डोनट्स। हाँ बिल्कुल, एल्सा को अपने छोटे नाश्ते में मजा नहीं आ रहा। क्या यार, वह बिल्कुल बीच में है, वो क्या करने वाली है? और रीना, उसे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। वेल, मीठे का मजा ले रही है। लजीज। और नहीं, तुम्हें बाइट नहीं मिलेगी, माफ करना। रीना की ना। एल्सा के पास रह गई एक नवेली मिठाई। ये तो उसकी उंगलियों में भी आ जाती है। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, ये तो डोनट दुल्हन है, और उसका डोनट दूल्हा डैनी एल्सा के डोनट को अपनी उंगलियों में डालने की वजह से ऐसा हुआ। ये हादसा तो बढ़िया है, अंगूठी के बिना कोई दूल्हा नहीं है। रोकोई, तुम अभी तो उससे मिली थी। लड़कियों, तुमने कभी अनजान खतरे के बारे में नहीं सुना क्या? ओह, चलो वो कार्ड्स देखते हैं। वेल को मिला छोटा। ये केक सुंदर है, और अगर ये छोटा है तो मैं बड़ा देखना चाहूंगी। रीना, उसे मिला मीडियम। ये कलर कितना कूल है, शानदार हरी आइसिंग, बहुत बढ़िया। ओके एल्सा, क्या किस्मत है, एल्सा का केक तो उससे भी ऊंचा है। जरा उसकी खूबसूरती तो देखो, ओलाला। ठीक है लड़कियों, तुम तैयार हो? एक शर्त है, तुम्हें अपना केक एक मिनट में खाना होगा। गो गो गो। और हाँ, कोई चम्मच नहीं, बहुत कुछ फैलने वाला है, और एल्सा की तो पूरी उम्र निकल जाएगी। क्या वैल एक मिनट में कर लेगी? और रीना, शाबाश, लगी रहो लड़कियों, तुम कर सकती हो। समय खत्म हो रहा है, सोचो मत, बस खाओ। हो गया। ओह एल्सा, मैं डरी हुई हूँ और समझ नहीं पा रही, तुमने ये कैसे किया? एल्सा का केक तो बहुत बड़ा था। ओह, ये गलत है। बाय बाय। एल्सा ने अपना राज खोला। इस कार्डबोर्ड की वजह से तुम जीत गए। अब मजे करो। हे दोस्तों, खोलो। डैनी को मिला। ये क्या, तीन शुगर कुकीज? उसके आकार तराशे जाने के लिए तैयार। बढ़िया है कि मैल एक विज्ञान की पगलू छात्रा है। हाँ, वो अपना माइक्रोस्कोप हमेशा तैयार रखती है। वो जितना दिखता है उससे मुश्किल है। क्या वो कर लेगी? बेटी, तुम्हारी क्या तरकीब है? मैल, हमें दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। ठीक है, उसने कर लिया। लो तुम्हारा इनाम। शर्तें आसमान में है। उस स्वादिष्ट बर्गर के लिए कुछ भी। अपना खेल सुधारने का वक्त, बेटी। ठीक है, चलो। बढ़िया, थोड़ का हथौड़ा। अब तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंची? ये सटीक तराशा है। कैसे? खैर, इस लड़की को इसका इनाम दो। उसने असंभव कर दिखाया, मैं सकते में हूँ। ठीक है डैन, चलो इनाम लाते हैं, क्योंकि तुम नहीं जानना चाहते कि अगर तुम हारे तो क्या होगा। बहुत ध्यान से अब। हे भगवान, ये पसीना। आज स्टूडियो में टेंशन बढ़ रही है। बस हो गया, चलते रहो दोस्त। वो बढ़िया, तुम्हारे इनाम का समय। हाँ बेटी, तुम्हारा हथौड़ा। अरे यार, ये आई तुम्हारी सजा। नहीं, छी छी, एक सरसों का फेशियल। मैं तो स्पा में ये कभी नहीं करती। तैयार, तीन फल। मिस मेल के लिए विशाल। बढ़िया किस्मत, डैनी अपने सेब से खुश है।
और मिस बी, लगता है कि इस चुटकू से हो जाएगा। क्या खाना शुरू करें? बिल्कुल, ये कितना स्वादिष्ट है। डैन क्या सोच रहा है? और ये इतना तगड़ा स्लाइसर तुम्हें कहाँ से मिला? बढ़िया कैंडी। ओह वाओ, ये तो ये यहाँ है। जरा इन जेलीज को देखो। मेल, तुम भी वही सोच रही हो जो कि मैं। निंजा मोड शुरू। हाया! बिल्कुल सटीक। मेरी आंखों में तो आंसू आ रहे हैं। और देखो तुम्हारी लड़की ने क्या बनाया, बहुत ही स्वादिष्ट कैंडी। अब बैठी का क्या, एक पंप? हवा को महसूस करो मिस पाइनएप्पल। वाओ, बैम! अब ये उतना बढ़िया नहीं हुआ। आपके आने से हमें बहुत अच्छा लगा दोस्तों। ये लीजिए कुछ प्लोपर्स। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के लिए घंटी को दबाना भूलिएगा नहीं। और कमेंट्स में बताइए कि बड़े आकार में सबसे बुरा खाना क्या होगा। फिर मिलेंगे दोस्तों।